Now ABCD is a rhombus such that ACB is 40 degree. So पहले ABCD एक rhombus बना ले. Okay. Now ABCD is rhombus. Such that ACB 40 degree है. ये पुराने पेपर का सेकंड क्वेश्चन है. यस सर. ACB ये 40 degree है. तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ADB. तो ADB ये पूछा जा रहा है. ओके. सर एडीबी बी का है. अच्छा बी एडीबी पूछा जा रहा है ये कितना होगा. ओके नाउ अब देखो ये बीच में 90 डिग्री होगा ना. ये 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री है तो क्या ये कितना होगा. क्योंकि पैरेललोग्राम में ये 40 डिग्री होगा. अच्छा अब देखो ये 40 डिग्री हो गया. चलो 90 हो गया तो 40 90 ये कितना हो गया 130 वो 50 हो गया. ठीक है ना. सर कल यही पेपर आया बता देना. अभी इसके क्वेश्चन क्या था उसमें 14 है. सर ये लास्ट वाले वो करा दीजिएगा. सर भाई ऐसे होती है बता. 14 क्वेश्चन. मोहन was doing an experiment to find the radius of a sphere. So cylindrical container ले लिया and height is 22 centimeter. He filled the container almost half of the water. So container में उसने half of the water भर लिया है. And इस तरीके से water भर लिया है. Okay. And now इसमें उसने बॉल डाल दी है तो हाफ वाटर का कितना मतलब है 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस आर डूइंग इट टू फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इट्स सिलिंड्रिकल. इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो दिस इज 3 सेंटीमीटर जिसे कैपिटल आर कहा गया. एंड नाउ ही पुट द बॉल इनसाइड इट. अगर उसने इसके अंदर बॉल डाल दी है तो क्या वाटर लेवल रेज हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. वाटर लेवल कितना रेज हो गया. दिस इज 4 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल के इक्वल होगा. तो इट इज जो भी वाटर लेवल रेज हुआ है दैट इज इक्वल्स टू राइज इन हाइट ऑफ वाटर लेवल यानी वॉल्यूम ऑफ बॉल. तो सर वॉल्यूम ऑफ बॉल कैसे होगा. कोई भी चीज पानी में अगर डालोगे वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो पानी में बॉल डालोगे तो उतना पानी उतना वॉल्यूम जो उठ गया वही तो वॉल्यूम है. वाटर रिप्लेस नहीं हो गया क्या. डिस्प्लेस कर गई तो पानी वो बॉल अंदर गई है कि नहीं. बायोमेट फोर्स होगी लेकिन वो उसका डेंसिटी ज्यादा था इसलिए डूब गई. अगर कम होती डेंसिटी वाटर से तो फिर तैरती रहती और इक्वल होती तो सबमर्ज होकर तैरती रहती. तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू राइज इन हाइट. भाई अब अभी से बात करने लगी तो आई हो. आप ही ने पूछा किस कौन पूछा था क्वेश्चन. राइज इन हाइट ऑफ वाटर तो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. इट इज इक्वल्स टू अब राइज इन हाइट के लिए क्या फार्मूला लगाओगे बोलो. पाई आर स्क्वायर तो ये कैपिटल आर लिखो तो पी से कैपिटल आर कहा गया तो पाई आर स्क्वायर एच ये है जो हाइट है राइज है ना राइज से मतलब है. सो पाई से पाई कट गया एंड 4/3 इनटू 3 स्क्वायर इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो इस बॉल का रेडियस कितना है आर. क्या आर है. और सर कैपिटल आर किसका ये दिया क्वेश्चन में पढ़ो. सो इट इज आर स्क्वायर एच तो आर स्क्वायर और एच 4 है. बोलो भाई समझ में आई बात कि नहीं आई. नहीं
ये तो पिछला पेपर है, ये अगर हम बॉल डालेंगे तो ये राइज हाइट, ये राइज हुआ कि नहीं है, बात कि नहीं। पानी में अगर बॉल डाली जाए बोलो समझ में आएगा, पानी में बॉल डाली इतना हाइट हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू राइज ऑफ बॉल, राइज इन हाइट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर। ओके, इतनी बात हो गई। नाउ अब हाँ, लेकिन ये एक क्वेश्चन डाउट पूछ रहे हैं। तो इट इज फोर, तो अब हम क्या करें, फोर से फोर कट कर दें क्या, और फोर बाई थ्री तो आर कितना होगा, थ्री से थ्री नहीं सर, वो थ्री का क्यूब है ना सर, क्यूब है, यस कट हो गया, तो कितना आ जाएगा, थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर, तो आर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, तो 8 3 सेंटीमीटर हो गया, पहले का आंसर आ गया। सेकंड देखो, हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी फिट इन एम्प्टी पार्ट, तो सेकंड में अब ये जो एम्प्टी पार्ट है वो उसका उसकी हाइट कितनी है, 7 बची, क्योंकि 11 15 15 एंड 20 तो 7 बची, सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड to fill ये vessel, तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाओगे दीवाली जी, पाई आर स्क्वायर एच, क्या क्या वैल्यू अनुराग डालेंगे सर, 22/7 इंटू 7 स्क्वायर नहीं इंटू 3 3 डाल दें, 3 स्क्वायर, अच्छा ये भी 3 आ गया ना, इसका मतलब हमने उसी रेडियस की बॉल डाली थी क्या, अब यही तो आ ही रहा है, तो 3 स्क्वायर और सर 7 तो ये 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 9 198 आ गई क्या, अच्छा 198 क्या आया, सेंटीमीटर क्यूब, यस सर 198 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, यही ml हो गया क्या, 198 ml, क्योंकि एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं, 1 अब इसे लीटर में बदलो, 0.198 लीटर। ओके, नाउ सेकंड पेपर निकालो मैथ का, एट मार्क्स है, कितने में से 20 में से 8 मार्क्स है, कौन सा निकाल रहे हैं आपके, जो उसने मैथ का टेस्ट हुआ 18 है आपके, कार्तिक आप लोगों में इसके क्या गए नहीं, आप लोग सर मिला नहीं, मिला नहीं, हाईएस्ट 18 है हमारे, हाईएस्ट 17 है सर, 17 है चलो, लेकिन आपको नहीं पता था, मेरा नहीं हो मिला, इतने सर दो, इतने दो ना सर, अब मैथ का ही निकालो, ये यही है, चलो सैंपल पेपर, ओके सैंपल पेपर, ये हमने आपको भेजा हुआ है, ये वाला निकालो, सो नाउ सैंपल पेपर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ fx is equals to 2x cube minus 13x square plus 17x plus 12, तो हमें पता करना है सर, f minus रख दीजिए, so fx is equals to 2x cube minus 13x square plus 17x plus 12, so f of minus 3 is equals to रख दो minus 3 का cube माइनस 13 माइनस टू को जीरो पुट नहीं करेंगे जो दे रहा है, ये तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है ना,
तो ये थोड़ी कह रहा है कि जीरो पे वैल्यू निकालो, अगर जीरो कहे तो जीरो पे निकालो, फोर कहे तो फोर पे निकालो, प्लस 17 इंटू माइनस 3 इंटू 12 प्लस 12, सो 2 इंटू 27 है, वो भी निगेटिव का। कभी भी दो साइन एक साथ रखना हो तो ब्रैकेट लगाया करो यहाँ, ऐसे कभी भी ना लिखना, ये गलत होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, दो साइन एक साथ नहीं रखे जाएंगे। और माइनस 13 इंटू 9 प्लस होगा तो प्लस तो लगाते ही नहीं है, तब तो रख सकते हो, तब तो 2 इंटू 27 लिख दो, तब नहीं लगाना है, लेकिन कोई भी दो साइन एक साथ रखो तो ब्रैकेट लगाओ। 51 प्लस 12 तो ये माइनस का 54, 117 माइनस 51 और प्लस 12, ओके सर 171 हो जाएगा, 54 और 117 को प्लस, ये सब को जोड़ दिया? नो सर, बस दो को पहले, तो माइनस 205 माइनस का 205 प्लस 12 सर, है नहीं सर, पूरा कर दिया ना सर, पूरा ही कर दिया अब इसमें से 12 माइनस कर रहा हूँ तो that is 210, और पीछे कितना आ रहा है? यही है सेकंड, देखिए नाउ इन द जॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, अ लाइन सेगमेंट सी एक्स कट्स ए बी एट एक्स, तो ए बी सी डी को इन्होंने बता दिया ये स्क्वायर है, स्क्वायर लग तो नहीं रहा है, कैसा स्क्वायर है इसमें एक्स है, नाउ और क्या दिया है सी ओ डी 80 डिग्री है सर, ओ एक्स ए एक्स और O X A X degree, this is X degree value of X और ये square है, तो ये अंदर 90 हुआ क्या? तो कौन सा? हाँ ठीक है, और सारी sides equal हो गई, ये 80 होने से ये कितना हुआ? सर 100 100 हो गया, अच्छा। और सर B O C B O X इसे 80 हो जाएगा सर, कोई नहीं कोई सर ऐसा कर सकते हैं, कौन सा? B O X B BOX इसे सेंटर वाला ये ना ये सर अपोजिट एंगल ये 80 हो गया सर, ये लीनियर पेयर होता और क्या लाइन है ना, AC अगर जॉइन होता तो लाइन है, तो लाइन में लीनियर पेयर नहीं होगा क्या? लाइन पे तो लीनियर पेयर दो एंगल नहीं होते, लाइन पे कितनी लाइन गिर जाए नहीं, अच्छा और हमें तो x चाहिए, तो अब x के लिए क्या किया जाए, तो ये तो डायगनल है क्या, एक बात बताओगे, जब डायगनल होता है स्क्वायर में तो ये कितना होता है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये कितना होगा ये कितना होगा, तो 90 है स्क्वायर में, तो अगर 90 है तो ये 45 हुआ, अच्छा ये 45 है तो ये कितना हुआ, अब ये निकाला जा सकता है कि नहीं, फिर हम इसका लीनियर पेयर लेंगे, इन सब की अब जरूरत नहीं रही, ये 80 की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये 45 ये चीज ध्यान से समझ में आई, क्योंकि ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल हो गया 45 45, ये अब देखो, तो अब इस बीच वाले पॉइंट को इन्होंने क्या कहा है, 125, तो दैट इज 180 माइनस 45 पता कर लिया, तो एंगल एक्स ओ बी और प्लस एंगल ओ बी एक्स प्लस एंगल ओ एक्स बी ओ एक्स बी it is 180 degree, that is angle sum property, okay, so xob it is 80 degree, obx 45 degree,
और प्लस ओ एक्स बी का पता नहीं है, ओ एक्स बी, ओ एक्स बी दैट इज 180 डिग्री, सो ये हो जाएगा 135 डिग्री, और प्लस ओ एक्स बी इज 180 डिग्री, सो ओ एक्स बी कितना हो गया, इसको वहाँ माइनस करो कितना आ जाएगा 55, ओ एक्स बी 55 है, तो ओ एक्स ए कितना होगा 120, ओ एक्स बी प्लस ओ एक्स ए, सर इस क्वेश्चन में गिवन और वो सब इतना होता है, ये तो बस पता करना है, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर समझ में आ गया कैसे है, यस, सो इट इज ओ एक्स बी 55 डिग्री है, तो ओ एक्स बी इस 180 डिग्री, अच्छा वो दिखाना नहीं पड़ेगा कि ना, वो दिखाना पड़ेगा इसको, इसके इसके वर्टिकली वो जो दिखाना पड़ेगा, ये तो दिखाना ही पड़ेगा, इसका 45 भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्या कैसे करेंगे बता दो, दैट इज 180 डिग्री माइनस 55, तो ये 125 डिग्री हो गया, ठीक है, जस्टिफिकेशन देख लो इसके पहले, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखो सर, हमारे सर ने बोला कि ना जो होता है ना वो इसका जस्टिफिकेशन एंगल का वो नहीं आएगा सर, एंगल नहीं है 45 क्यों ये बताना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल हो गए, तो ए डी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो उसके अपोजिट साइड्स, साइड्स इक्वल है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो ए डी के अपोजिट क्या है, क्या ए बी डी, ए बी डी, और बी के अपोजिट ए बी के अपोजिट ए डी बी, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अच्छा एंगल ए प्लस एंगल ए डी बी और प्लस एंगल ए डी डी, ये मिल के क्या 180 डिग्री, ये तो 90 है, और इन दोनों की जगह सबको ए बी डी लिख दो, और प्लस ए बी डी, ये 180 डिग्री हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो टू एंगल ए बी डी क्या हो गया 90 डिग्री, तो इससे क्या पता चलता है, ये लिख लेना, ये तो लिखी लोगे कि ये वर्टिकल ये अपोजिट है, ये एंगल एक्स ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, वाई इट इज सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, ये कर लेना, अब देखो एंगल अपोजिट इक्वल साइड सर, ये लिखना पड़ेगा आपको कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड से संडे को कोई आपके आ गया था इसको क्या से संडे को, देखो संडे को या तो ये पेपर देंगे या वो, अभी पहले मैं इसको करा लूं, आप तैयार कर लेना दोनों पेपर, तो दो तो बताना दोनों में से एक दे दूंगा वो करा तो लूं सर, और मैथ्स वाला ना जो पहले किया है, एक तो पहला है ना, और एक ही करा रहा हूं, ये दोनों में से तो एक दूंगा, आप तो तैयार नहीं कर सकती हो क्या, एक्सरसाइज क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज पूरी तैयार कर लेती है चैप्टर जी, एक्सरसाइज 8 क्योंकि सब तेज तेज बच्चे हैं, तो यहाँ पे अगर थोड़ा भी टफ नहीं करोगे दिव्या भी तेज हो गई है, क्या करेंगे, चार पांच बच्चे तेज तेज हैं, सब पूरे नंबर लाने वाले, हाँ
ये तो इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए इसको क्या करें कि आप देख लो कि यहाँ पर दैट इज ए ए प्लस एक्स स्क्वायर है, ओके। तो इसको क्या है ना कि एक्स प्लस है, देखो दो तरीके से करेंगे। एक पहले जो पिछले पेपर में क्या था वैसे करेंगे, इसको एक्स ले लें, इसे क्या मान लें एक्स, इसे क्या ले लें वाई वाई। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वन और वाई इज इक्वल टू बी प्लस टू। तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और माइनस फिफ्टीन वाई। बोलो बात समझ में आ गई, इसे एक्स स्क्वायर लिख दिया एक्स वाई लिख दिया, इस पर बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो हमारे पास ये इनका मल्टीप्लाई करो कितना आता है, क्या 120 आएगा मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 120 है। माइनस 120 के टुकड़े करो, ट्वेल्व करना चाहते हो चलो ठीक है, और माइनस 10 क्या इनका सम फिर प्लस 2 आ रहा है बीच वाला, बोलो। और इनका मल्टीप्लाई क्या माइनस 120 है, तो 8x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 10xy और माइनस 15y। तो इसमें क्या कॉमन ले लेंगे क्या 4x, तो 2x प्लस 3y सर 4x कॉमन देखो हाँ, और इसमें क्या कॉमन लेंगे माइनस 5y माइनस 5y, तो 2x आ जाएगा और प्लस 3y, तो 4x माइनस 5y और 2x प्लस 3y। बताइए अब x और y की वैल्यू डाल दो, तो x की क्या वैल्यू होगी a प्लस 1 और b प्लस 2। ये तो पहला हो गया, अब इसमें डालो a प्लस 1 और b प्लस 2, इसे खोलो सवाल अभी कब आएंगे, 4a माइनस 5b माइनस 6 और ये क्या हो गया 2a प्लस 3b प्लस 8। बोलो बात समझ में आ गई सर, फोर ब्रैकेट वाला समझा दीजिए ये x की जगह ये रख दिया y की जगह ये रख दिया, फिर इसे खोल लो 4a प्लस 4 और माइनस 5 भी माइनस 10 आएगा क्या, इसे भी खोल लो और फिर से नीचे क्या होता है 4a माइनस 5 भी माइनस 6। अच्छा प्लस 4 का आ गया, ये तो हुआ ना माइनस 6। अच्छा और ये 2 6 से ही हुआ, इसी को तो कर ही सकते हो। बोलो x की जगह प्लस 1 रखा कि नहीं है, x और y की वैल्यू डाल दी। पूछो और किसी को पूछना, पूछो आ गया ठीक है, इसे नोट करो थोड़ी देर में देंगे, अभी ये पहले बोर्ड फिल कर लें तब, तो जिससे कि हमारा स्नैपशॉट हो जाए, फोटो खींच लेंगे ना एक साथ, नहीं तो मिट जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज 2x + y²
माइनस नाइन एक्स प्लस वाई माइनस फाइव, ये चीज है। तो इसको हमें करना है। अब जरा देखो कि टेन सर इसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से या एक है टेन है तो टेन को क्या कर सकते हैं फाइव टू या टेन नाइन है तो हमारे पास ये है सर ए और बी वाला ही x और y सर इसे भी x लगा के करना है। हाँ ये सर x x प्लस वाई को x ले ले वो तो ले सकते हैं से कुछ आने वाला है y square। चलो करते हैं इसको खोल ही ले खोल के देखें क्योंकि इससे बन ही रहा ना माइनस टेन से नहीं बन रहा है नाइन ना। चलो सर a रख सकते हैं ना माइनस टेन है माइनस टेन से नहीं बनेगा ही नहीं कभी सर माइनस टेन बनेगा नहीं बन पाएगा ना माइनस टेन प्लस वन। हाँ सही था सही में तेज है माइनस टेन और प्लस वन तो कितना बन गया माइनस नाइन बन तो गया और माइनस टेन और इनटू वन तो कितना हुआ माइनस नाइन बन गया ठीक है कि नहीं। तो दैट इज टू x प्लस वाई स्क्वायर उसे नहीं मन में कुछ मान लो या ऐसे ही रहने ही दो जैसा है क्या करना है ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं लिख लूँ इसकी जगह टू ए स्क्वायर लिख लूँ लेट कर लूंगा ठीक है कि नहीं। हाँ और नहीं तो यही रखे रहो बात सर ए रख देते ए रख दिया ना तो क्या लिखोगे लेट x प्लस वाई को क्या लिखा बताओ ए लिखा और माइनस नाइन ए और माइनस फाइव तो 2a स्क्वायर माइनस 10a और प्लस a और माइनस 5 बोलो ठीक सर। 2a कॉमन ले लिया 1 माइनस और a माइनस 5 और 1 कॉमन लिया हाँ a माइनस 5 सो 2a प्लस 1 और a माइनस 5 ये चीज हो गया। अब वैल्यू पुट करो तो a की जगह क्या रखें क्या x प्लस वाई x प्लस वन और प्लस वन और यहाँ भी a की जगह x प्लस वाई और माइनस फाइव लेकिन ये ब्रैकेट नहीं हो सकता इसे हटाना पड़ेगा तो 2x प्लस और x प्लस वाई माइनस चलिए नाउ फिफ्थ Hamid has built a cubical water tank with lid in house with each other edge 1.5 meter long. He gets the outer surface of tank excluding the waste covered with square tiles of size 25 centimeter. उसने जो water tank बनाया है उसमें उसने square tile लगाई है. Okay, now find how much he would spend for the tiles if the cost of tiles is rupees 360 per dozen. So, हमने इसमें जो tiles लगाई ये उसकी dimensions देखो क्या है और इसकी भी dimensions देखो क्या ये 1.5 meter है जो cubical tank है ये सब क्या है ये हर चीज 1.5 meter है और जो इसकी dimension ये 25 centimeter है तो कह रहा है कि हमें कहाँ पे छोड़ना है टाइल कहाँ नहीं लगानी है फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड इफ द बेस पे तो ठीक है सर बेस का बेस पे तो वैसे भी नहीं लगा सकते यानी सब जगह लगानी ना सीलिंग हाँ ऊपर भी लगेगी बेस पे नहीं लगेगी ना बेस हेलो हाँ नमस्कार हाँ जी हाँ
ठीक है मैसेज भेज दीजिए, अभी तो मैसेज आप भेज दें। कहाँ पे है? हाँ एड्रेस, ओके ओके ओके, मैं कॉल करता हूँ। चलिए तो इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, पीछे की जो डायमेंशन है उन सभी को करना है। तो फाइव साइज को करना है कि नहीं करना है? टॉप को इंक्लूड करके पांच साइज नहीं, तो फाइव ए स्क्वायर चाहिए कि नहीं? अच्छा तो हम ये देख लें, देख लो ए स्क्वायर एक तरफ का चारों तरफ और ऊपर फोर ए स्क्वायर नीचे नहीं करेगा क्या? नीचे नहीं करेगा, बेस नहीं करेगा, तो पांच साइड करेगा, एक एक जो होगा सरफेस वो ए स्क्वायर होगा। अच्छा फाइव ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया नीडेड टू बी टाइम एरिया नीडेड और सर मीटर सेंटीमीटर में भी तो किसी ठीक है वो कर रही है, इट इज फाइव ए स्क्वायर है तो बोलो फाइव इंटू वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर, चेक करो 2.25 तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, क्या 12.25 आ जाएगा बताइए? 1125 यही आएगा सर, 11.25 11 आएगा यस सर 1125 ओके ओके सही कह रहे हो। तो इतने मीटर स्क्वायर हो गया yes, अच्छा वन टाइल का डायमेंशन एरिया ऑफ वन टाइल क्या है सर? 25 सेंटीमीटर एरिया बताओ 25 That is 0.25 meter और into 0.25 meter क्यों? क्योंकि जब भी एक square होता है तो उसका area क्या होता है क्या? Side into side. तो आप चाहे तो पहले side into side लिख लें, side into side और सबको meter बदल दिया। Yes. तो ये कितना आ गया बताओ? Multiply करो अंकित कितना आएगा? बताते हैं नहीं अंकित, बोलो हाँ बोलो 0.06 मीटर स्क्वायर हो गया। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया नीडेड टू बी टाइल्ड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, बोलो बात सही है कि नहीं? नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया नीडेड टू बी टाइल्ड अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया नीडेड टू बी टाइल्ड है यहां से देखो 11.25 मीटर स्क्वायर और ये कितना आ गया 0.0625 मीटर स्क्वायर पर टाइल। एक टाइल का है ना ये पर टाइल, तो मीटर स्क्वायर कट गया, टाइल ऊपर चली जाएंगे इतनी टाइल्स हो जाए। अब हम इसमें क्या करें, दो डेसिमल से दो डेसिमल कट जाएंगे क्या और नीचे दो डेसिमल बच जाएंगे yes. तो ये 1125 और यहाँ पे अगर दो इधर कर दो तो 6.25 आ गया और ये टाइल्स ऊपर चला गया। अब जरा इसको भी ऊपर करो तो नीचे क्या आ गया 625 आ गया। ये 25 से कटेगा, देखो 25 से कटेगा तो कितना आएगा 25 है ना, 25 से इसको काटो तो 25 से कट करिए तो 25 4 जा 100 और 125 तो 25 5 जा 125 और दो जीरो और बच गए तो मैं सीधा दो जीरो लगा दूं क्या? तो कितनी टाइल्स हो गए अभी, तो इसको और भी काटना पड़ेगा 25 से और काटो सर 0.0625 में तो ज्यादा पॉइंट्स है ना सर, अभी बता दे रहे हैं 180 टाइम्स। अब जो पूछोगे बता देंगे,
माही क्या मल्टीप्लाई करना चाहते थे जिसको हमने डिवाइड कर दिया, बोलो। अब ये देखो, अगर मान लो इसमें हमें टाइल्स लगानी है चार और एक पूरा एरिया देख लो और एक टाइल का एरिया इतना है, एक टाइल का 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर है, तो हम पूरे एरिया में एक एरिया हमें पता है तो कितनी टाइल लगेगी, तो दैट डिवाइडेड मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर² इसका एरिया है और पूरे का एरिया 8 सेंटीमीटर², तो कितनी टाइल लगेगी, डिवाइड करके चार टाइल में आ जाएगी कि मल्टीप्लाई करके आएगी पूरा पूरा। जैसे तुम्हें एक कोई स्टेंसिल अपनी कॉपी पे ड्राइंग बनानी है चिपकाने का, तो 8 सेंटीमीटर² पे चिपकाना है, बाहर 2 सेंटीमीटर² पे ही पेपर मिल रहे हैं, तो कितने पेपर खरीद के लाओगे, तो कैसे आया आपको मल्टीप्लाई थोड़ी ना आ जाएगी, नहीं मल्टीप्लाई तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब अगला देखो, ये बुक का क्वेश्चन एग्जाम्पल है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अब कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ टाइल बताओ, तो 360 पर डजन है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू जो 8 × नंबर ऑफ टाइल्स, 8 × नंबर। अच्छा टाइल्स कितनी है, ₹360 per dozen, बोलो ये ठीक है, पर डजन बाई 12, यानी एक की कीमत आ गई कि नहीं बताओ, 360 पर डजन है, 5,000 तो पर डजन को किसने बता दिया 12 में, एक की कीमत आ गई और अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया 180 से, तो एक की तो यहाँ आ गई ना, तो अब इसको करो, ये 15 आ गया क्या, 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 × 0 = 0, 15 × 6 जा बोलो 15×6 = 90 जितने भी ले लो 12 से एक टाइल का ही नहीं कोई बेचता है, 12 का सेट आता है करते हैं। अच्छा 12 से ज्यादा चाहिए तो लो 12 का सेट, लेकिन नंबर्स में नहीं ले सकते नहीं, 12 ही मिलेंगी, 12 से कम नहीं मिलेंगे, चले जाओ सरदारपुरा सीलिंग, वहाँ है टाइप की बहुत दुकान, हम तो गए थे 2 टाइप जब हमें चाहिए थे टूटे, उसने मना करते बोला 12 में तो जाते नहीं, तो कॉस्ट वही उसका रेट है, वही चलता ही है, ठीक है ना। अब सर हाँ सो वाई स्क्वायर नहीं होगा, आप इसमें वाई 15 वाई लिखा है, वो मिसप्रिंट है ना, बताया अभी ठीक करने, नहीं तो फोटो खींचते समय भी आ जाएगा। यस सर 15 वाई स्क्वायर नहीं, आप लोगों में कितने लोग 10th में एलन जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं, कहीं कोई जा रहा है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, आकाश एलन कार्तिक तो जा सकता है, भेज जाएंगे कार्तिक, कहीं का प्लान है कोटा फैक्ट्री, कोटा किए हैं ना, कोटा फैक्ट्री देखी, क्वेश्चन हम लिख देंगे इसी से, इससे कि आपको उसकी मदद करनी पड़े।
तो एट ए प्लस वन स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज? यस सर। ओके सर, पेपर को काट आगे पेपर पलट के रखना, पहला पेज पलटना नहीं। सर करें स्टार्ट? हाँ सर। दो पेपर दिया जाएगा, पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि 14 क्वेश्चन में तो आपका जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए हमें समय के हिसाब से डेढ़ घंटे का और दो जो भी पेपर रहेगा उसमें पहले भी करना है और के पहले और के बाद भी करना है। अच्छा लिखने के आफ्टर और बिफोर, बस ये कर देना और लिख के बाद आगे का कर देना। अच्छा नाउ अब इसको कैसे करोगे, तो दैट इज इसे लिखो 2a का क्यूब b क्यूब, फिर क्या लिखोगे 3a2b, ऐसे लिख सकते हो क्या 3ab 2a+b, क्योंकि इससे देख लो 6a2b आ रहा है और इससे क्या आ रहा है 6ab2 आ रहा है, बोलो आ गया कि नहीं? आ गया सर, आ गया। तो इससे क्या हो जाएगा 2a+b का क्यूब, फिर 2a+b 2a+b 2a+b। पेरेंट्स मैथ्स के मामले में बहुत पर्टिकुलर हैं, मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, मैथ्स में ही गड़बड़ करती है ना तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। आओ जी एक्स इसके जीरोस निकालने हैं, दैट इज 3 - 6x, कैसे निकालें दिव्या जीरोस कैसे निकालें? इसमें वैल्यू पुट करनी है, जिससे कि वैल्यू तो नहीं पुट करनी है, और कोई बात बताओ सर? जीरो ले लें, इसी को जीरो ही ले लें, करना चाहती हो ना तो वही तो 1/2 होता है, इस जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, इसके लिए क्या आगे लिखे सर? प्लस 6/3 से क्या होगा 3/ प्लस 6/3 रखोगे कट जाएगा। अब देखिए आफ्टर और तो हो ही गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 कह रहा है इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, तो सर्कल बनाइए, एक सर्कल बनाओ ये डायमीटर है और डायमीटर दूसरा सर्कल बनाओ और ये एक लाइन जाएगी, ये इस तरीके का सर्कल बनाओ, ना देखो अब इसमें दो डायमीटर आ गए, एक ये डायमीटर और एक ये डायमीटर, लग रहा है ना डायमीटर? हाँ है। और जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उससे एक लाइन ले ली गई है। yes. ओके ये मेरे ख्याल से एग्जांपल है। हाँ
तो इट इज ओ एंड ओ डैश ऐसा है, ओ एंड ओ डैश होगा या ओ वन होगा, ओ वन होगा कुछ होगा। तो ये ए है, ये बी है, तो फिर अब हम इसे कैसे करें, इसे मिला लें। ये ए भी कॉमन कॉर्ड है क्या? अब वो पूछ रहा है कि पी क्यू है, तो ये पूछ रहा है कि पी बी क्यू इज लाइन, तो प्रूव पी बी क्यू इज लाइन, पी बी क्यू इज लाइन। गिवन क्या है, क्या इसमें टू सर्कल्स हैं? सर पी बी क्यू कैसे है? कभी एक बीच का रिक्वायरमेंट अगर उस पर लेना होता है तो कहते हैं पी वी क्यू इज लाइन, ऐसे बोला जाता है, यानी पी वी क्यू आर कोलिनियर भी बोल सकते हैं। से इंटरसेक्शन का पॉइंट एक थर्ड साइड पे कटता है, ये प्रूव करना है। तो ये थर्ड साइड पे, ये जो इंटरसेक्शन है ना इनका, यस तो थर्ड साइड पे, तो पी वी क्यू एक लाइन नहीं हो गई, आई टू सर्कल्स ठीक है विद कॉमन कॉर्ड, क्या दिया है कॉमन कॉर्ड ए बी ठीक है एंड पी ए एंड ए क्यू, क्यू ए आर डायमीटर्स, इतनी बात दी है। अब जरा देखो इसमें क्या ये एंगल 90 है और क्या ये एंगल 90 है, तो ये क्यों क्यों 90 है? तो सर वो O1 और O है क्या? सर आपने क्या? O और O1 है हमें दिख नहीं रहा इसमें। O है, O है ना? हमें कहाँ से ले जाएं? तो एंगल ABP क्या होगा? और अगर 90 होगा तो क्यों होगा? सेमी सर्कल क्यों? क्योंकि डायमीटर से अगर लिया जाए तो 90 होता है। यस ठीक है, 10.11 थ्योरम होगी ऐसे ही। और एंगल ए बी क्यू इट इज 90 डिग्री, तो अब ये 90 हो गया। नाउ एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए बी क्यू, क्या ये 90 प्लस 90 है? तो क्या ये 180 हो गया? अब कार्तिक इसके आगे क्या लिखें? बट दीज आर एडजेसेंट एंगल्स जैसा कि उन्होंने बताया, और अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो, नॉन कॉमन आर्म जो भी हो ना, इस तरीके से एंगल बना ले ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 हो तो क्या वो लीनियर पेयर बन जाता है? दीज आर लाइंस एंड एंगल्स से पढ़ा है कि नहीं? यस सर। दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, सो ये जो है पी बी क्यू इज लाइन। हैंस प्रूफ नेक्स्ट देखें। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, तो आपको ये प्रूव करना है, कल भी ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था, ए बी सी तो ए बी के बीच डी है, ई और एफ, तो ये आपको मिड पॉइंट हुए, एक को हमें प्रूव करना है बाकी उसका यूज करना। सो ये भी बुक पे ही है, बुक का क्वेश्चन है ना कि चारों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब देखो तो लिखो इन ट्रायंगल नीडेड टू बी प्रूव क्या है, आर आर फोर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यही तो है, और गिवन क्या है कि पी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी respectively of triangle to prove
ऑल फोर सर एग्जाम में जो डायग्राम बनाना है कैसे हाँ इसमें तो बनाना है ऑल फोर ट्रायंगल साथ कॉन्ग्रुएंट टीचर समझ ही नहीं पाएगा किसको क्या कर रहे हो उसी डायग्राम से तो वो रिफर करता है हम लिख भी नहीं पाएंगे अब देखो डी प्रूफ देखो डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी तो भाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा बी एफ इज पैरेलल टू बी सी बी सी एंड हाफ ऑफ बी सी एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी डी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी तो डी एफ अगर पैरेलल टू बी सी है तो ये मुझे बताओ कि क्या डी एफ इज पैरेलल टू बी ई भी हो सकता है यस सर बी हो जाएगा क्योंकि पार्ट ऑफ पैरेलाइज और डी एफ इज इक्वल टू बी और डी एफ इज इक्वल्स टू बी ई भी हो जाएगा क्योंकि बी सी का आधा क्या है बी है अब हम आगे क्या लिखें सर पैरेललोग्राम हो गया डी एफ और बी किस बेसिस पे सर सर अपोजिट है जैसे डी एफ इसके पैरेलल भी है अपोजिट भी है तो 10 पॉइंट हम ये 8 है सो एस 8.8 वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल ये पैरेलल हो गई सो क्या डी एफ बी ई इज पैरेललोग्राम डी एफ बी ई इज पैरेललोग्राम अच्छा अब मैंने मान लीजिए यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ली है ठीक है तो इससे एंड इट्स डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट एंगल एंड इट्स डायगोनल बोलो बी एफ और बी लिया बी एफ बी बी एफ ई बी ई बी डर ठीक है ना बी एफ ई बी सही है डायगोनल डी डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी एफ ई एंड डी बी चलिए अब हम यहाँ पर बता दें क्या ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है इसी के बेसिस पर पहले तो आप लिख लो डी यहां से शुरू करो एफ डॉट से शुरू करना डॉट अक्रॉस से लिखना तो एफ डी ई तो बोलो ट्रायंगल एफ डी ई किसके कॉन्ग्रुएंट है डी ई डी अब इसमें डॉट अक्रॉस से चलो बी ई डी बी ई डी ट्रायंगल बी ई डी और सर ठीक है e. अब एक बार फिर से लिखो डी एफ सी इज पैरेललोग्राम सिमिलरली और दूसरा उसमें भी कॉन्स्टेंट सिमिलरली डी एफ सी ई और दूसरा कौन सा होगा ये भी होगा क्या यस सर डी ई एफ ए डी ई एफ डी ई एफ ए आर सर वो जब डी एफ ई बी इज पैरेललोग्राम लिखे उसी के साथ लिख सकते थे सारे पैरेललोग्राम एक तो हमने प्रूफ करके ये दिखा दिया अब हम बाकी पे ऐसे ही लिखते हैं सर पहले जब वो लिखे ना डी एफ ई बी जब उसके साथ ही ये तीनों नहीं लिख सकते थे क्योंकि वो इसके कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है उसमें नहीं कुछ भी डाल सकते अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया है तो ये क्रॉस है तो ये क्या हुआ क्रॉस और ये डॉट है तो वही ऑर्डर लेना इसे मत छोड़ो एफ डी इक्वल्स टू ट्रायंगल ई सी एफ ई सी एफ डी कैसा चल रहा है डॉट से क्रॉस चल रहा है ई सी तो ई सी एफ ECF भाई आप इधर बताओ इसका इसके साथ इसका इस वाले का इसके साथ देखो मैं कुछ चीजें बता दूं ये क्रॉस है तो क्या ये क्रॉस है ये डॉट है तो ये डॉट होगा क्योंकि ऐसे है ना जेड पहले तो ग्राम है कि नहीं ये भी तो जेड है बोलो तो ट्रायंगल FD किसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी एफ ई
अब कंबाइनिंग और ऑल एम कौन है ठीक है तो इसलिए डी एफ ए करो सो इस तरीके से ट्रायंगल एफ ई एफ डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ ए एंड प्रूव्ड हो गया कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर को करके दिखाइए 9 कंपास नाउ तुमने भी ये 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करो सर क्या सर कल के टेस्ट में कंस्ट्रक्शन आएगा हां कल तो लाना पड़ेगा एक कर तो हम दे देंगे सर आएंगे दे आओ ये देखो 8 सेंटीमीटर ड्रा करो और फिर यहाँ से क्या करो आधे से ज्यादा लेके आधे से ज्यादा लो हाफ से ज्यादा और एक यहाँ से लेके ऊपर कट और एक यहाँ से लेकर नीचे कट करो और फिर यहाँ से लेके ऊपर कट और यहाँ से लेके नीचे कट हो जाएगा फिर यहाँ से ये तो ऐसा करके दिखाओ 8 सेंटीमीटर ले लो एक सेंटीमीटर ले लिया यहाँ से ऊपर कट और नीचे कट आधे से ज्यादा लेको यहाँ से भी ऊपर कट नहीं इक्विलेटरल बस यही है इतना करके दिखाइए और इसे लिखो एम एम सो एम एम इज डिजायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ठीक है इसका जस्टिफिकेशन भी मैं बता देता हूँ कई बार आ जाएगा इसके लिए भी ट्रायंगल बना दो ट्रायंगल बना देंगे ट्रिपल एस सर जस्टिफाई में करना क्या होगा कि एम एम इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बताओ क्या ये दोनों इक्वल है क्योंकि आर्क्स ऑफ सेम रेडियस ये दोनों इक्वल होंगे आर्क्स ऑफ सेम रेडियस ये कॉमन होगा ऐसा होने की वजह से क्या ये ट्रायंगल इसके इक्वल हो जाएगा फिर इसकी वजह से नीचे भी वैसे ही हो जाएगा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से बोलो यस सर और फिर ये एसएएस लगा दोगे इन दोनों छोटे ट्रायंगल में क्या करना होगा इन दोनों छोटे ट्रायंगल में एसएएस लगा दोगे एस ए और एस तो सीपीसीटी से क्या ये इसके इक्वल आ जाएगा और इन दोनों ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना सीपीसीटी से और 180 होने से 90 हो जाएगा क्या यही करने जा रहा है तो एमएन हो गया इसे वो दे देते हैं दिस इज 8 सेंटीमीटर अच्छी पेंसिल से बनाओ पेंसिल बहुत मोटी हो गई थी डाइमेंशंस मेरे को 90 डिग्री दिखाओ दोनों तरफ इक्वल दिखाओ यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हैं ये 90 हो जाएगा ना तो ये इक्वल भी हो जाएंगे चलिए नाउ वी विल जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन सर आपने वो दोनों में 2-2 लिख दिया एफ डी कॉन्ग्रुएंट टू ई सी एफ 2 और एफ डी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ ए 2 3 कर लो अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते फोटो खींच गई सर कॉपी में तो लिख सकते हैं चलो सो जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन सेज इन ट्रायंगल एम ए एन इन ट्रायंगल एम ए एन एंड ट्रायंगल एम बी एन एम ए एन एम ए इज इक्वल टू एम बी
that is arcs of same radii. इसी तरीके से NA is equal to NB and जो MN है वो common. So by triple S congruency criteria triple S से ले आओ NAN is congruent to MBN. So by CPCT that is AMO. वैसे तो हमें AMN लिखना चाहिए लेकिन AMO लिखते हैं BMO. ये हो गया. अब देखो इतना CPCT से सिर्फ मैंने लिया तो इन ट्रायंगल. अब दूसरा ट्रायंगल लो EMOA and triangle MOB. तो क्या जो MA है वो MB के इक्वल है? That is arcs of same radii. और MO common है. और AMO ये इसके इक्वल प्रूव किया. ये एंगल इक्वल है तो S A S S A S से कौन सा ये इसके इक्वल है S A S से. वो तो हमें CPCT से CPCT से एंगल इक्वल किया वैसे ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल के. सो बाय S A S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया triangle MOA is congruent triangle MOB. तो भाई CPCT क्या हो जाएगा? सर AO equals to OB. AO is equals to OB. AO से लोगे तो BO चलोगे ना. और बताओ CPCT से और क्या हो जाएगा? लेकिन इन दोनों का अभी 90 मत देखो. 90 तो जस्टिफाई करना है. बट एंगल AOM प्लस BOM क्या होगा? कितने सारे चीजें जस्टिफाई करना है हमें. ये दिखाना है परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है. बाइसेक्टर प्रूफ कर चुके हैं क्या? परपेंडिकुलर प्रूफ कर लिया है. ये बाइसेक्टर हो गया ना. लीनियर पेयर होने से परपेंडिकुलर नहीं हो जाता. लीनियर पेयर तो ये भी है क्या? परपेंडिकुलर हो गया क्या? अब इक्वल हुआ है. अब मैं उसको 180 रखूंगा फिर धीरे से कर दूंगा. ये तो लीनियर पेयर है. अब क्या मैं इन दोनों की जगह AO AB डाल दूं? इट इज 180 डिग्री. सो 2AOM is 180 degree. So angle AOM is 90 degree. So इससे prove हो गया कि MN is perpendicular bisector of AB, है ना? Yes sir. दोनों चीजें आ गई कि नहीं? Yes sir. So MN is perpendicular bisector of AB. Hence justified. एक बार अपना डायग्राम दिखा दें.
कहाँ मिल रहा था? गलत मिल रहा है। नेक्स्ट देखो, वही मिला है जहाँ कट होगा। ओके, नाउ टेन पूछा गया है, ए हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस इतना है, इनटू अ कोन ऑफ बेस रेडियस 4, तो फाइंड द हाइट एंड स्लैंट हाइट। हॉलो स्फीयर है और उसको हमने, हॉलो स्फीयर जानते हो, कॉस्को की बॉल जो अंदर हवा भरी होती हो, yes. तो ऐसी चीज हो और उसको मैंने मेल्ट कर दिया, रिकास्टिंग जिसको कहते हैं, कास्ट एंड कूल, उसको कहते हैं रिकास्टिंग। सर ये सारे बॉल रिकास्टिंग से तो बने हैं। हाँ, अभी इससे हमने कोन बना दिया, तो कह रहा है कोन जो बनाया है इसकी स्लैंट हाइट निकालो, तो कुछ चीजें दे भी रहा है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस दे रहा है। ये सर्कल ये अच्छा नहीं बना है, स्फीयर इसे ठीक बना लो। ये नाउ इट इज 2 सेंटीमीटर और दिस इज 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है और क्या दे रहे हैं, बेस रेडियस 4 है, हाइट एंड स्लैंट हाइट दोनों ही पूछ रहा है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर इट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि जो भी चीज है ना इसका वॉल्यूम तो जाएगा नहीं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वास्तव में वॉल्यूम पूरा नहीं लेना है, किसका लेना है, material. वो मटेरियल का, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ हॉलो स्फीयर, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, उसी से हमने कोन बनाया दिखला के। अब देखो, अच्छा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ हॉलो स्फीयर बता सकती हो दिव्या, क्या फार्मूला लगाए? 2π। अच्छा बताया, बोलो पाया, 4/3 π² r³ जैसे आर वन ले लो, कुछ तो लेना पड़ेगा, इसका भी वॉल्यूम का फार्मूला देवांशी, चाहिए, ठीक है, तो पाई को कॉमन लेके कट कर लो सर। हाँ सर, वो माइनस को क्या 4/3 π r³ वाला, ये ना पूरे में से अंदर की हवा का स्फीयर उसे हटा दिया, पूरे में से वो चीज तो नहीं चाहिए ना, हवा है ना अंदर, तो मैं चीजें ला जाएगा और 1/3 π r² h, देखो क्या क्या कट गया, क्या पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा, अब इसमें सारी वैल्यू डालो और h निकालो, इतना काम खुद करो, कितना 40 सेंटीमीटर, सब डालो ना, कैपिटल आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, और आर वन पता चल रहा, डालो एच निकल रहा है।
आया आप लोगों का भी नहीं सेंटीमीटर। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी क्या पूछ रहा है? तो एल की वैल्यू निकालो, एच आ गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर वन लिखो, फिर आर वन लिखा है ना, तो इट इज फोर। दूसरे क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते, वही क्वेश्चन चल रहा है अभी, क्वेश्चन कहाँ बदला है वही पार्ट टू। तो इट इज इक्वल टू फोर स्क्वायर, वन नाइनटी सिक्स होता है, कितना होता है दस एक ग्यारह दो सौ बारह, टू हंड्रेड ट्वेल्व का कैसे करेंगे? टू वन टू है, टू से करो, वन जीरो सिक्स फिर टू से करो, फिफ्टी थ्री, तो दैट इज टू इंटू टू इंटू फिफ्टी थ्री। अब पीछे आंसर दिया हो तो पता चले, अच्छा वैसे दे रहा है तो हमें निकालना ही पड़ेगा फिर। टू वन टू के पीछे से पेयरिंग करी, वन वन या वन, वन हंड्रेड ट्वेल्व, वन को इसके नीचे ले आए तो कितना हुआ, टू के आगे क्या लिखें कि इसके ऊपर हो जाए, ट्वेंटी फोर नाइनटी सिक्स आया, कितना बच गया, सिक्स वन सिक्सटीन बचा, इस फोर को इसके नीचे लिखो, क्या लिख रहे हैं, ट्वेंटी एट, यहाँ क्या लिखे, देखो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, डेसिमल लगा के दो जीरो बढ़ाओ, अब क्या लिखे, चेक करते हैं, फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव, फाइव एट या फोर्टी, तो ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, और फाइव एट या फोर्टी, फाइव टू या टेन, वन फोर्टीन आ गया, तो कितना बचा, वन सेवेंटी फाइव, तो सही है। अब दो जीरो और बढ़ा लो और इस फाइव को इसके नीचे लिख लो, तो कितना आया, अब कितना आ सकता है, सिक्स तो आ ही जाएगा, तो आपको दिखते जल्दी जल्दी पता, सिक्स जीरो जस्ट जीरो, सिक्स नाइन या फिफ्टी फोर, और सिक्स टू या बारह, और सिक्स नाइन या फिफ्टी फोर, तो हमने यहाँ सिक्स नहीं लिखा था, सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स, सिक्स नाइन या फिफ्टी फोर, और सिक्स टू या ट्वेल्व, आ गया, सही सही आ गया, यही है पीछे, yes, sir, yes, sir. तो 14, ये सब फिर मत लिखो, 14.56 पता नहीं टीचर का क्या पार्टी बन गया, आधे के लिए एक नंबर काट कर, ठीक है, ओके। और भी हो जाएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया एंड द नेटेड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विच इज 15 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर हाई। सो फर्स्ट वाला आएगा आपका, जो फर्स्ट वाला टेस्ट पेपर है ना, वही आएगा और उसकी कॉपी हम यहाँ से देंगे, क्योंकि हो सकता है आपको उसमें कुछ मार्किंग कर रखी हो, तो हम आपको फ्रेश पेपर देंगे। सर इसके अगले क्वेश्चन से,
जो ये कराया है ना इसको किसी दिन आप लोग आओगे तो उस दिन हम करवा मंडे ट्यूजडे किसी भी दिन बीच में किसी दिन जिस दिन आओगे ना बीच में बता दीजिएगा एक बार मतलब ये जो पेपर है ना हम किसी दिन करा लेंगे बता दीजिएगा बता देंगे अभी कल वही आएगा जो पहले कराया था पेपर इसको बाद में ले लेंगे क्योंकि वो स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है ना स्कूल ने दिया है सर स्कूल में लेकिन सर वो जो सैंपल पेपर क्वेश्चन दे रहे वो इस बीच से बहुत हार्ड है और ये इतना इजी था और भी दिए क्या जो भी आप लोगों को दिए जाते हैं जो पिछला दिया जो पिछले वाले दिए वो हमारे पास भेज दो पीडीएफ सात क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दो तो कम से कम उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे पास भी रहेंगे तो बाद प्रैक्टिस करा लेंगे अब चलो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो भेज दो आपके पास भी सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी अब जरा देखिए और तो फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया एंड इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विद 15 मीटर लॉन्ग 12 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर हाई तो ये दे रहा है दैट इज टेंटा और तो हमारे पास क्या क्या चीज दे रहा है ये है क्यूबॉइड तो क्यूबॉइड में आपको क्या क्या दे रहा है क्या 15 मीटर लॉन्ग और 12 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर हाई है तो इसका क्या क्या चाहिए क्या टीएसए यस सर और क्या चाहिए और सर वॉल्यूम और एलएसए एलएसए भी चाहिए एलएसए भी चाहिए सर वॉल्यूम वॉल्यूम भी वॉल्यूम और एलएसए ये किसका भी टेस्ट होगा सर ये जनरेटर सर किसका ये सर टीएसए का फॉर्मूला क्या है टीएसए टू एलबी प्लस डीएस प्लस एसए एलबी प्लस सब कुछ टीएसए हाँ यही है और सर वॉल्यूम एलएसए में एलबी अब जाने सर एल एस ए क्या होगा ऊपर चलिए हो गया एलबीएस का एलबीएस अब स्टार्ट हां स्टार्ट करो